स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। हमारे खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने दिया चर्चा का जवाब। बिल में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज में सुरक्षित और नैतिक तौर तरीकों को अपनाने के प्रावधान। बारह सदस्यों के निलंबन पर राज्यसभा में गतिरोध कायम। उच्च सदन में अवरोध की भेंट चढ़ा शून्यकाल और प्रश्नकाल। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, माफी मांगे निलंबित सदस्य, विपक्ष का माफी मांगने से इनकार। देश में नक्सल और आतंकी घटनाओं पर नकेल। नक्सली हमलों में 70% की कमी। जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से घुसपैठ और आतंकी घटनाओं में भी आई गिरावट। कोरोना के बीच नवंबर में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी संग्रह 1.31 लाख करोड़ रुपए हुआ, अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा। और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश लागू। 14 दिन का यात्रा विवरण और नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य। देश में करीब 1.5 साल बाद कोविड के सक्रिय मामले 1 लाख से कम। और बुलेटिन में सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा ने आज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल यानी सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 को चर्चा के बाद पारित कर दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में चर्चा का जवाब दिया। इससे पहले विधेयक को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि देश में काफी क्लिनिक ऐसे चल रहे हैं जो IVF, सरोगेसी और ART जैसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इस विधेयक का मकसद इसे नियमित करना है, साथ ही इन विषयों पर दिशा निर्देशों और व्यवस्था का मानकीकरण करना है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भ्रूण हस्तांतरण और भ्रूण बैंकिंग के लिए भी व्यवस्था बनाने की जरूरत थी। हार्मोन्स ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, इसलिए कभी महिला का हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट हो जाती है, और जैसा मैंने बताया ऐसे कोई महिला का मृत्यु भी हो जाता है, उसका इंश्योरेंस हो ये भी बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उसका इंश्योरेंस हो इसलिए भी हमने उसमें व्यवस्था की है। हम ऐसी कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करें उसको तो बख्श नहीं सकते हम। 20 में सदन में आया था और इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया था। इस पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट आई और उसमें से सुझाव को लेकर अब ये विधेयक लाया गया है। आज चर्चा के दौरान अलग अलग दलों के सदस्यों ने बिल को लेकर अपने अपने सुझाव और विचार सदन में रखे। बहुत सारे चीज इसमें आ जाते हैं, तो इसमें एथिक्स कमेटी की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में एथिक्स को हम मान के चलता है, आप हमसे ज्यादा मानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं मंडप जी को कि ये मैंडेटेड काउंसिलिंग सर्विसेज शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लिनिक। किसी की रसूख से बाहर लेके आना चाहिए ये जो क्लिनिक की जो सर्विस है काउंसलिंग सर्विस को। बट हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल बोर्ड और द स्टेट बोर्ड वी आर नॉट मेंशनिंग हु इज गोइंग टू बी द मेंबर। If anybody has any complaint, anybody wants to take up any issues, this grievance redressal cell will definitely be addressing those issues. Our premier government hospital or institute must have IVF for ART facilities so as to enable the common poor masses to avail the services of ART. How are we going to expand the ART is my big question. So is the government doing something through the skill development department to make sure we push this as an agenda, as a top priority program for any government?
तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल उसको सपोर्ट करे होता है। और जो बात आ रही है कि बोर्ड्स क्या करेंगे, तो बोर्ड्स का तो बिल्कुल क्लियर मैंडेट है। जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ पे कोई किसान है या मजदूर है, हाथ मजदूर है, ऐसी फैमिलीज के लिए अवेयरनेस लाना और सरकारी योजना लाना जिसके माध्यम से वो अपने आप को पेरेंट्स बना सके। कालीन सत्र के तीसरे दिन आज किसानों के मुद्दे पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्यों के अवरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए बाधित हुई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के अवरोध की वजह से बाधित हुई। निलंबित 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के अवरोध की वजह से सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। पीठासीन सभापति भुवनेश्वर कलिता ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बांध सुरक्षा विधेयक पर अपनी बात पूरी करने के लिए कहा। शेखावत ने अपनी बात रखनी शुरू की, लेकिन इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए अवरोध शुरू कर दिया। कुछ सदस्य अपने स्थान से आगे भी आ गए। सोमवार से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मॉनसून सत्र के दौरान असंसदीय आचरण की वजह से मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। बाद में राज्यसभा के निलंबित सदस्य महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। से निवेदन करता हूं, कृपया, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सब अपोजिशन लीडर से, कृपया हाउस में आइए, चर्चा में भाग लीजिए। अगर 12 एमपी अंदर आना चाहते हैं तो वो क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, कम से कम पश्चाताप तो व्यक्त करना ही चाहिए। माफीनामा नहीं होगा, हम उनसे विनती कर रहे जो हुआ वो हुआ है, वो भूल जाइए, सब मिलके देश के हित में जनता के हित में काम करेंगे। देश में नक्सली और आतंकी घटनाओं में कमी आई है, गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक नक्सलियों की ओर से सुरक्षा बलों, नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति पर हमले की घटनाओं में 70% की कमी आई है। 2009 में 2000 से अधिक नक्सली वारदातें हुई थी, लेकिन 2020 में ऐसी 665 घटनाएं दर्ज की गई। साथ ही देश में नक्सल पीड़ित इलाकों में भी कमी आई है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से घुसपैठ और आतंकवादी हमलों की घटनाओं में काफी कमी आई है। 2018 में घुसपैठ की कुल 143 घटनाएं हुई। इस साल नवंबर तक केवल 28 घुसपैठ की घटनाएं दर्ज की गई। 2018 में कुल 417 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई और इस साल 21 नवंबर तक कुल 244 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। दिसंबर 2020 से 26 नवंबर 2021 तक 14 आतंकवादियों को पकड़ा गया और 165 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के दौरान 32 सुरक्षा बलों के जवानों और 19 जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों ने अलग अलग कार्रवाई के दौरान अपनी जान गंवाई है, शहीद हुए हैं। देश में किसान आंदोलन के कारण रेलवे को इस साल 36,87,00,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। ये नुकसान आंदोलन की वजह से 15 रेलवे जोन में 1,879 ट्रेनों के रुकने की वजह से हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि 2021 की कार्यक्रम सूची में शामिल मेल और एक्सप्रेस कोविड स्पेशल हॉलीडे स्पेशल ट्रेन सेवाओं के रूप में चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को नियमित संख्या और किराए और वर्गीकरण के साथ बहाल कर दिया गया है। मंगोलिया का संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर है। आज मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुरल के अध्यक्ष गोम्बोजाव जदानशतर के नेतृत्व में मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान दोनों देशों में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है। मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच
सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। अवर मल्टी फैसेटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद मंगोलिया एक्सलेंसी, दी COVID-19 रिमेन्स ए ग्लोबल चैलेंज। आई एम ग्लैड दैट वी हैव बीन एबल टू सपोर्ट ईच अदर इन फेसिंग द चैलेंज ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। आई कन्वे माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू द गवर्नमेंट ऑफ मंगोलिया एंड द इंडियन मंगोलियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। और आज लोकसभा की विशिष्ट दीर्घा में भी मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में मंगोलिया के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और इसकी सदन को जानकारी दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को यह बताया कि मंगोलिया संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दिल्ली के अलावा बोधगया और आगरा जाएंगे। सदन के सभी मान्य सदस्य की ओर से भारत की यात्रा पर आए सम्मानित अतिथि मंगोलिया की स्टेट ग्रेट हुरल संसद के अध्यक्ष महामहिम श्री गोम्बोजोव जंगत शहर और वहां के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंगोलिया की संसद के अध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल ने आज संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात भी की। लोकसभा अध्यक्ष ने मंगोलिया को उसके शताब्दी समारोह पर बधाई दी है। इस दौरान दोनों देशों में संसदीय सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए कई आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा भी की गई। मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुरल के अध्यक्ष और मंगोलिया प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संसद भवन का दौरा किया, भ्रमण किया और भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बनने वाले अत्याधुनिक भवन की एक झलक पाने के लिए नए संसद स्थल का दौरा भी किया। कुछ और अहम खबरें। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गए हैं। मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। आरटीपीसीआर जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कराई जानी चाहिए। इसके अलावा एयरपोर्ट पे उतरने पर भी जांच की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर रोजाना करीब 2000 लोगों का कोविड जांच की जा रही है, टेस्ट किया जा रहा है। दो दिन में यहां 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लंदन और एम्स्टर्डम के 4 यात्रियों के जीनोम अनुक्रमण परिणामों की प्रतीक्षा भी की जा रही है। वहीं एयरपोर्ट पर सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए कोविड दिशा निर्देशों के तहत बैठने का इंतजाम किया गया है। इस बीच देश में COVID-19 टीकाकरण अभियान के तहत करीब 124 करोड़ 90 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 80.98 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी गई है। वहीं 24 घंटों में 10,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। इससे अब भारत में जो रिकवरी दर है वो बढ़कर 98.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 9,000 नए मामले भी सामने आए हैं। देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 547 दिनों के बाद घटकर 1,00,000 से नीचे आ गई है। अब देश में सक्रिय मामले 99,023 बचे हैं। वहीं शोध में पता चला है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पहचान और बचाव शुरू होने से पहले ही फैल चुका है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने सबसे पहले 24 नवंबर को WHO को नए वेरिएंट के बारे में सूचना दी थी, लेकिन नीदरलैंड में 19 और 23 नवंबर को लिए गए नमूनों में ओमिक्रॉन मिलने की जानकारी मिली है। इस बीच जापान और फ्रांस ने आज अपने यहां वायरस के नए स्वरूप से जुड़े पहले मामलों की सूचना भी दी है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में नए मामले सामने आने के बाद ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से जुड़े मामलों की संख्या अब 22 हो गई है। ब्रिटेन में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि नए उपायों से कोविड से निपटने की तैयारियों के लिए अब समय मिलेगा। साथ ही जापान के परिवहन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों से दिसंबर के अंत तक
जापान में आने वाली सभी उड़ानों के लिए नए रिजर्वेशन रोकने के लिए कहा है। आपातकालीन एहतियात के तौर पर अनुरोध किया गया है। और फिलहाल हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार होंगी देश के चारों कोने से राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधानसभा को संबोधित किया। इस सत्र में 26 कार्य दिवस होंगे और यह सत्र 31 दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राशन आपके ग्राम योजना की गाड़ियों के संचालकों और हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वाहन अपनी गारंटी पर बैंकों से ऋण पर दिलाए हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की ओर से आयोजित विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ में आहुति दी। साथ ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या ने हमेशा ही अधर्म का विरोध किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पौड़ी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये क्षेत्र सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलवामा के कस्बायार इलाके में हुई मुठभेड़ में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर यासिर परे मारा गया, जबकि दूसरा आतंकी पाकिस्तानी था। चांदीवाल आयोग ने बर्खास्त सिपाही सचिन वाजी और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए 8 और 9 दिसंबर को पेशी वारंट जारी किया। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। वहीं वाजी को पहले एनआई ने अरेस्ट किया था और इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया था। फोर्ब्स की सबसे ताकतवर भारतीय महिलाओं की सूची में ओडिशा की आशा कार्यकर्ता ने भी जगह बनाई है। फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर 2021 की लिस्ट में सुंदरगढ़ जिले की 45 साल की आदिवासी आशा कार्यकर्ता मातिलता कुल्लू का नाम भी शामिल हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ घाटों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। हरी घाट में आधुनिक मशीनों के जरिए पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है। साथ ही सड़कें, शौचालय सहित दूसरे निर्माण कार्य भी जोरों पर है। दक्षिण पूर्वी अरब सागर और मालदीव लक्षद्वीप के इलाके में चक्रवात बनने की वजह से दक्षिणी भारत में बारिश हो रही है। चक्रवात के 4 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर पहुंचने की संभावना है।
महाराष्ट्र के कई जिलों में आज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई, थाने, पालघर जिले में जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया है। साथ ही बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं आंध्र प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके डूबे हुए हैं। तिरुपति में पानी निचले इलाकों में भर गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। बाढ़ की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तमिलनाडु में लगातार बारिश की वजह से मदुरई के वेगई डैम में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए डैम से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं से ने मीडिया से भी बातचीत की। शरद पवार ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट होना होगा। वही टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि अकेले रहने से कुछ नहीं होगा, सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर कोई लड़ता नहीं है तो हम क्या करेंगे। वैकल्पिक ताकत की बात होनी चाहिए, अभी यूपीए नहीं है। इन टुडे सिचुएशन नेशनल लेवल लाइक माइंडेड फोर्सेस हैज टू कम टुगेदर एंड वी हैव टू प्रोवाइड अ स्ट्रांग अल्टरनेटिव टू लीडरशिप। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में आए उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं सारद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुई है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे ने कहा है कि ICCR भारत की आजादी का अमृत महोत्सव पूरी दुनिया में मना रही है। ऐसे में भारत अपनी आजादी के संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया को सुनाएगा। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के तहत पहले चरण में भूटान, जमैका, मलेशिया, पोलैंड, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया और उज्बेकिस्तान से 19 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें से 5 युवा सांसद शामिल हैं। इन 8 देशों के युवा प्रतिनिधियों ने विभिन्न प्रदेशों में जाकर भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों को बहुत ही करीबी से देखा। इस मौके पर ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम के तहत दुनिया के 75 लोकतांत्रिक देशों से उभरते हुए युवा नेताओं को भारत की सांस्कृतिक विविधता, कला, लोकतंत्र और अन्य विषयों की जानकारी और विचारों के आदान प्रदान का मौका मिलेगा। दिस इज जस्ट द इनॉग्रल बैच एंड वी होप दैट द ओमिक्रॉन एंड अदर थिंग्स विल बी सेटल्ड इन आई मीन सूनर देन लेटर एंड वी विल हैव मेनी मोर बैचेस। इन फैक्ट सिंस इट इज द 75th ईयर ऑफ आर इंडिपेंडेंस we are planning to have delegations from at least 75 democracies and 8 democracies have already been covered. So it's a very unique, ambitious and perhaps one of its kind program, and we believe that this is the way of building relations, this is the way of helping the global community understand the core of the idea of India, Indian culture, Indian society and Indian people as well. कोरोना काल में इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कामकाज फिर बढ़िया होने लगा है। बीते नवंबर में वस्तु और सेवा कर यानी GST का कलेक्शन अब बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नवंबर महीने में कुल GST संग्रह 1,31,526 करोड़ रुपए का हुआ और इस महीने हुआ ये GST संग्रह पिछले महीने के संग्रह को पार कर गया है, जो GST लागू होने के बाद से दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है, सबसे बड़ा आंकड़ा है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है और यह आंकड़ा GST के लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक है। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका से, जहां मिशिगन में एक हाई स्कूल में सनसनीखेज वारदात में 15 साल के छात्र ने अंधाधुंध गोलीबारी की। घटना में 3 छात्रों की मौत हुई है जबकि 6
जख्मी हुए हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि हमलावर का इरादा क्या था और ना ही उसकी पहचान जाहिर की गई है। सीमा सुरक्षा बल अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती भारत की 6386.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। वर्तमान में इसके तहत 186 बटालियन और 2,57,000 कर्मी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर अर्धसैनिक बल के कर्मियों को बधाई दी और देश की सुरक्षा के साथ ही आपदा और संकट की घड़ी में उसके योगदान की सराहना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि साहस और पेशेवराना अंदाज के लिए बीएसएफ का व्यापक सम्मान किया जाता है। भारत की सुरक्षा में बीएसएफ का महत्वपूर्ण योगदान है और वो आपदा और संकट की घड़ी में भी कई मानवीय कार्यों में आगे रहता है। भारत पाकिस्तान के बीच आमतौर पर तनाव की स्थिति ही रहती है, लेकिन अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान का स्वर्णिम इतिहास रचने वाले बीएसएफ ने अपने स्थापना दिवस की खुशी में पाकिस्तान सेना का मुंह भी मीठा कराया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राजस्थान के बाड़मेर सेक्टर में देश की हिफाजत में जुटी सीमा सुरक्षा बल ने अपने 57वें स्थापना दिवस के मौके पर अपनी अलग अलग सीमा चौकियों पर पाकिस्तान के रेंजरों को मिठाई भेंट की। अमूमन होली, दिवाली, ईद या राष्ट्रीय पर्वों पर भारत पाकिस्तान के बीच मिठाई और तोहफों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इस बार बीएसएफ ने अपने स्थापना दिवस पर पाकिस्तानी रेंजरों को मिठाई खिलाई और पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी बीएसएफ को स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आज वर्ल्ड एड्स डे है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एड्स दिवस की कुछ तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।